सर लालू यादव लगातार दिल्ली कभी पटना दौरा कर रहे हैं, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए लालू जी की उम्र हो गई है, बीमार हैं और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब लालू जी कोई फैक्टर थोड़ी है, ना वो बिहार के लिए कोई फैक्टर है, ना देश के लिए कोई फैक्टर है। अब दिल्ली जा रहे हैं तो नेचुरल है, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उसी में कोई कुछ बात बोल दिए। हकीकत ये है कि ना अब देश की जनता उनको सीरियसली ले रही है और ना बिहार की जनता उनको सीरियसली ले रही है। देखिए बीजेपी कोई कास्ट ओरिएंटेड पार्टी नहीं है और हमारे यहाँ जो चीज़ होता है वो सब चीज़ को देख करके होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई MY समीकरण के आधार पर बनाते हैं या फॉरवर्ड और बैकवर्ड के आधार पर बनाते हैं। हम पार्टी विथ ए डिफरेंस है, पार्टी विथ ए मिशन है और पार्टी विथ ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। तो हमारा संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, अध्यक्ष प्रणाली है, उस ढंग से हुआ है। अभी बोलने से हो जाएगा, नित्यानंद राय जी क्या है? देश के माननीय गृहमंत्री हैं, हैं कि नहीं है? तो नित्यानंद राय जी क्या है? या और नंदकिशोर यादव जी बिहार में क्या है? प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। रामकृपाल यादव जी क्या है? ये बोलने से थोड़ी होता है। हमारे यहाँ जो है वो न धर्म के आधार पर और न जाति के आधार पर चयन होता है, वो एक सिस्टम है, संगठनात्मक सिस्टम है, उस आधार पर होता है। नीतीश जी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए था, वो तो खुद बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे और विशेष राज्य का दर्जा का क्या पाराफर्नेलिया है वो नहीं जानते हैं, किस राज्य को मिलना चाहिए क्या पाराफर्नेलिया है। तो केवल सवाल है कि वो अब भूलने लगे हैं चीज़ों को और अब जो है वो चूँकि उम्र हो गई है उनकी, इसलिए बिहार के लोग, बिहार की जनता भी समझ रही है। वो तो खुद बोल रहे हैं कि हमारी उम्र हो गई, इतनी हो गई, आप तो जानते हैं, तो आप लोग तो खुद चैनलों में दिखाते हैं। तो अब जब एक उनकी उम्र हो गई, वो खुद समझ रहे हैं, वो सबकी बैसाखी पर ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर, कभी RJD की बैसाखी पर, और अब उनके दिल में हो रहा है कि किसी तरह से कोई ऐन कैन प्रकारेण हमको कुछ मौका मिल जाए राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन मुझे लगता है कि देश के अंदर भी कोई वैकेंसी चूँकि प्रधानमंत्री की है नहीं और लोग भी जान रहे हैं, इनका जो क्रेडिबिलिटी है वो समाप्त है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, तो जनता भी जान रही है, लोग भी जान रहे हैं, पार्टी भी उनकी जान रही है। उनके बोलने से नहीं ना होगा, उनके बोलने से नहीं ना होगा। बीजेपी के साथ हुकूमत में थे तो जितना भी काम हुआ है ना वो बीजेपी के ही वजह से हुआ है। आज तो वो बीजेपी से अलग हुए हैं, तो आज देख लीजिए क्राइम और करप्शन का क्या हाल है, आज देख लीजिए बिहार के अंदर जो है जंगल राज 2 की स्थिति हो गई है। ये बोलने से होगा? ए मैन नोन बाय हिज कंपेनियन ही कीप्स। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो डेवलपमेंट और विकास भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा था। आज वो जहां पर हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो आज तो सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से क्राइम का ग्राफ बना है, किस तरह से करप्शन चरम सीमा पर आ गया है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, और कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, यही आपके RJD और जनता दल यूनाइटेड की हालत। नहीं आ गया, आपको नहीं लग रहा है, आप जा करके देखिए ना, आप जा करके उनके DCP का ही देखिए कि रोज़ कितनी हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुबह में घर से निकलता है तो शाम घर पे वापस वो ठीक से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसका ठिकाना नहीं है। तो ये कहने की क्या बात है, एवरीबडी नोज इन बिहार, सारे लोग देख रहे हैं कि क्राइम और करप्शन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए, जो स्थिति हो गई है निश्चित रूप से होना चाहिए। जो स्थिति बिहार के अंदर हो गई है, मुझे लगता है कि वही एक ऑप्शन है कि बिहार में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे। अरे भाई, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बीजेपी से अलग हुए थे तो क्या सीट आया था बिहार में उनको, कितने उनके MP हुए थे, और देख लेंगे आने वाले चुनाव में जुड़ते रह जाएंगे, कहीं नहीं पता चलेगा। 40 की 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतेंगे और उनके MP जीतेंगे। नीतीश, लालू और से ज़्यादा ललन सिंह निशाने पर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लालू से नज़दीकी बढ़ती जा रही है। अरे भाई, तो बढ़ती जा रही है तो आप जनता दल यूनाइटेड है कहीं न, संख्या बल के आधार पर है, उनके सारे लोग तो छोड़ छोड़ के दूसरे तीसरे जगह जा रहे हैं, तो इसमें क्या है? अगर वोट की अर्थमेटिक देखिएगा तो वोट की अर्थमेटिक में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या वोट का अर्थमेटिक है, क्या संख्या है,
तो वोट की अर्थमेटिक में तो राष्ट्रीय जनता दल ही न है, आज उसकी बैसाखी पर है वो। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।